13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खानाबदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। आयतोला इस बार बच नहीं पाएगी सलजान खातून। दुरु खातून की मौत का सबूत मेरे हाथ लग चुका है। बानो चिचा एक जख्मी है, ऐसी सूरत में मेरे लिए उसको मारना आसान हो जाएगा, तभी हम सुकून का सांस ले सकेंगे और सुलजान पे कत्ल का इल्जाम लगा देंगे। जब दुआन एतराफ़े जुर्म कर ही चुका है, इसकी सजा का तायुन हाय मफूफी करेंगी। ये उनकी ख्वाहिश है और मैं उनकी ख्वाहिश का एहतराम करता हूँ। अमीर सादुद्दीन किसी बहुत खास मामले पर आज शब बात करना चाहता है। अगर वो तुम्हारी राय पूछे तो तुम उससे किसी बात पर भी इत्तफाक नहीं करोगे। मैं नामजद करता हूँ उस सरदार को जिससे आप सब बखूबी वाकिफ हैं, कुमुश्तकिन साहब। मैं आपको सरदार आला की जिम्मेदारी सौंपता हूँ। आयबा खानम, हटो मेरे रास्ते से। तो तकिन भाई का हुक्म है कि कोई भी इसके करीब ना आए। वालिदा, बानो चीचा एक जख्मी है ना। हिम्मत नहीं हारना दुआन, आने वाला वक्त कैसा होगा हम नहीं जानते। अल्लाह पे भरोसा रखो। मुझे यकीन है कि बानो चीचा एक बहादुर लड़की है, कभी हिम्मत नहीं हारेगी। शुक्रिया वालिदा, अल्लाह आपसे राजी हो। अर्तुरुल भाई ने भी हलीमा सुल्तान की मोहब्बत में क्या क्या किया, आज समझ आया मुझे, मोहब्बत कुर्बानी के बिना नहीं मिलती। दुआन बेटा, कल इंशाल्लाह अच्छी खबर मिलेगी हमें। बाहमी यकजहती के तनाजुर में हमारा यहाँ जमा होना अपनी मिसाल आप है अमीर सादुद्दीन। काई और दुदुर का कबीले पहले ही अपनी ताकत की वजह से माने जाते थे, अब इस इत्तेहाद की वजह से और भी मजबूत हो गए। बिल्कुल दुरुस्त, हम हिमायत करते हैं आपकी। बहुत आला, बिल्कुल ठीक फरमाया। मुत्तफिक है आपसे।
सरदार उमर की हिमायत मेरे इस फैसले की दुरुस्तगी को तकवियत पहुंचाती है। सलामत रहें, बहुत शुक्रिया। सरदार गुमुश्तकिन अपने तजुर्बे की वजह से इस ओहदे के लिए बेहतरीन इंतखाब है। हकीकत यह है कि जब भी हमें उनकी जरूरत महसूस हुई वो हमेशा कोनिया से आए और हमारी मदद की। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि वो हमारे कबीले के अहम तरीन लोगों में से हैं। बहुत शुक्रिया तूतकिन सरदार, बहुत शुक्रिया। मैं कुछ कहना चाहता हूं अमीर सादतिन। फरमाइए अर्तुरुल साहब। मैं अपनी वालिदा की जानिब से यहां नुमाइंदगी के लिए आया हूं। वालिदा ने गुंदोगदू जो मेरे भाई हैं और मुझे यह जिम्मेदारी दी है। गुमुश्तकिन साहब ने वालिदा को बताया था कि यहां पर कोई बहुत अहम मामला आज जेरे बहस आने वाला है। दुरुस्त है। मैं यहां आपके फैसले और इस शाइये दोनों के दरमियान कोई रब्त महसूस नहीं कर पा रहा। लगता है कि आपने हमारी राय जानने के बजाय फैसला मुसल्लत करने के लिए बुलाया हमें। ये आप क्या कह रहे हैं अर्तुरुल सरदार? कैसी बातें कर रहे हैं? आप जानते भी हैं कि आप क्या कह रहे हैं? कैसे गुस्ताखी है ये? अर्तुरुल साहब अपने अल्फाज पर गौर कीजिए। मानी चाहिए। अमीर सादतीन की मुखालफत कर रहे हैं। बहादुर सरदार अर्तुरुल, हमसे ऐसी क्या खता सरजद हुई जिसने आपको इस लहजे पे मजबूर कर दिया? नौयान को जिस तरह से आपने बचाया उस फैसले की भी इसी तरह से मुखालिफत की थी मैंने जैसे आज इस फैसले की कर रहा हूं। आपकी इसी खता पर मजबूर हुआ, इस लहजे पर। मजीद ये के इतने अहम मामले पर फैसला करने के वक्त यहां बहुत से तुर्क कबाइल के सरदार मौजूद नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक कहा। दूसरे सरदारों को भी यहां पर होना चाहिए। हमारे सही और गलत फैसले हमें जोड़े रखते हैं अर्तुरुल साहब। दुआ है कि अल्लाह हमारे फैसलों पे हमें शर्मिंदा होने से बचाए। आमीन। ये जो आपने इशाइया सजाया है एक शिकंजे की मानिंद, इसमें कोई भी ऐसा फैसला ना होने दूं जिस पर बाद में हमें पछताना पड़े, तो ये फर्ज है मेरा। अर्तुरुल साहब तो बहुत बेहतर बात कर रहे हैं। दूसरे सरदारों का आना बहुत जरूरी है। होना चाहिए। गुस्ताखी की सब हदें पार कर चुके हैं अर्तुरुल साहब। इस बहादुर की बेबाक गुफ्तगू सुनने के बाद तुर्क सरदारान पे मेरा एतमाद और भी बढ़ गया है और हमें सरदार अर्तुरुल की इस मुखालिफत को मुस्बत अंदाज से कबूल करना चाहिए ताकि हमारी की गई गलती का अजाला हो सके। गुंदोगदू साहब आप क्या कहते हैं? अमीर सादतीन, हमें कोई शक नहीं कि आप हमारे कबाइल के इत्तेहाद और मजबूती के लिए हर मुमकिन इकदाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आयमा खानम ने मेरे भाई अर्तुरुल और मुझे एक ही शर्त पर यहां नुमाइंदगी के लिए भेजा है कि काई कबीले के लिए हर वो फैसला नाकाबिले कबूल होगा जिस पर हम दोनों एक साथ इत्तफाक ना करते हों। फिलहाल इतना ही कहना चाहता हूं मैं। सही फरमाया कुंदोगदू साहब, आपका मुतमईन होना बहुत जरूरी है। फिर मैं काई कबीले का आखिरी फैसला बजाते खुद हाइमा खातून से सुनना चाहूंगा। इंशाल्लाह जितना जल्दी हो सका उनसे मुलाकात के लिए आऊंगा। ज़हे नसीब अमीर मोहतरम, फिर तो हमें सौते और इत्तेहाद से खुशहाली की उम्मीद रखनी चाहिए। गुमुश्तकिन साहब, आप अपना फर्ज बखूबी निभाएंगे, पूरा भरोसा है हमें। बहुत शुक्रिया तूतकिन सरदार। अल्लाह आपकी मदद फरमाए गुमुश्तकिन साहब। अल्लाह आपको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया आप सबका।
दुश्मन उसे तो हमारी तलवारें बचा लेंगे, लेकिन कबीले में होने वाली साजिशों से कैसे बचेंगे हम? हम नहीं जानते कि किस पर एतबार करें और किस पर नहीं। अर्तुरुल साहब, समंदर तूफान थमने के बाद ही पुरसुकून होता है। बेशक साजिशों ने हमें घेरा हुआ है, लेकिन सच ही गालिब आता है हमेशा। हर परेशानी को भुलाकर हमारी आने वाली इस खुशी का सोचना है तुम्हें, यह जरूरी है। और जब हमारी ये खुशी दुनिया में आ जाएगी तो अपने साथ इस कबीले के लिए खुशहाली लेकर आएगी। हिरन का पीछा करते हुए आप मुझ तक पहुंचे, मैं हमेशा अपने रब के शुक्र गुजार रहूंगी उस दिन के लिए, और आखिरी सांस तक आपका साथ निभाऊंगी मैं। यानी उसका इरादा था कि कुमिश्तकिन को हाकिम आला बना दे। वो उसे हम पर मुसल्लत करना चाहता है ताकि तुर्क कबाइल को लगाम डालकर काबू कर सके। गुमश्तकिन अभी भी कारवान सराय में मौजूद है, दोनों मिलकर हमारे खिलाफ मंसूबे बना रहे होंगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा कभी, उनके मंसूबे खाक में मिला दूंगा। कैसे करोगे ये तुम? गुंदोगदू भाई और तूतकिन पर हकीकत आश्कार हो जाए, इसलिए उन्हें काले पत्थरों के पास अपने साथ ले जाऊंगा। तुम दो दुर्गा कबीले के सरदार बन गए हो और मेरे भाई तमाम तुर्क कबाइल के सरदार आला। तो दुर्गा कबीले ने तुर्क कबाइल में इम्तियाजी हैसियत हासिल कर ली है, हमारी ताकत में और इजाफा हो गया है। अब हमारे मुस्तकबिल को रोशन होने से कोई नहीं रोक पाएगा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, हमारे कबीले की मुश्किलात माजी का हिस्सा बन चुकी हैं, रोशन मुस्तकबिल हमारा मुंतजर है। अब से कबीले की बेहतरी ही हमारी अव्वलीन तरजीह होगी। ये वक्त नए दौर का है, ये वक्त नई हिकमत अमली का है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। गुंजगुल खातून, बाहर के मौसम से पहले ही बुनाई के कारखानों को तरतीब में लेकर आइए, मैं खुद बाजार में कीमतों की देखभाल करूंगा। तू तक इन सरदार, जैसा आपका हुक्म। अब वक्त आ गया है अपनी नई शुरुआत की आखिरी रुकावट हटाने का। हुफी जान, आपको अकेला नहीं जाने दूंगी, मैं साथ चलूंगी। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे इस मामले से कोई वास्ता हो। बानो जिजा एक जख्मी है, अल्लाह के करम से तुम्हारी फूफी अकेले ही उसका काम तमाम कर सकती है, तुम परेशान मत हो। भाई,
मुझे आपको कुछ बताना है, एक जरूरी बात है। क्या बात है अर्तुरल, अब क्या इरादे हैं तुम्हारे? खेमे में चलकर बात करते हैं, यहां बात करना मुनासिब नहीं है। तुम लोग अपनी मश जारी रखो। गुंदोगदू सरदार, अमीर सादतीन कुपैक सराय में आपसे फौरी तौर पर मिलना चाहते हैं। ठीक है, उनसे कहो मैं जल्द पहुंचता हूं। मुझे अभी फौरन निकलना होगा मेरे भाई, तुम्हारी बात मैं बाद में सुनूंगा। यानी तमाम तुर्क कबाइल की तकदीर अब गुमश्तकीन के हाथों में है। गुंदोगदू भाई और तूतकिन को अपने काबू में रखने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। गुमश्तकीन वो घटिया इंसान है जो अपने मकसद के हुसूल की खातिर अपनी बहन और अपनी बेटी को भी इस्तेमाल करेगा। मुझे यकीन है अमीर सादतीन के इल्म में सब कुछ है। भाई, ये सिर्फ तुर्क कबाइल को लगाम डालने के लिए नहीं किया गया, बल्कि इसके पीछे साजिश कुछ और है। अमीर सादतीन को पैक क्या चाहता है, मकसद साफ जाहिर है। उसकी नजर इससे भी बड़े ओहदे पर है। मैं जानता हूं आर्तुक भाई, वो सुल्तान अलाउद्दीन के महल के अतराफ साजिशों का जाल बुनना चाहता है। जिस तरह उसने अपने पालतू को हाकिम आला के ओहदे पर फाइज करवाया है, वो यकीनन चाहेगा कि कोई शहजादा जो उसका वफादार हो महल में मुकर्रर किया जा सके। हमें हर सूरत इस साजिश को बेनकाब करना होगा। ऐसा ही होगा भाई। अर्तुरल भाई आयतोलन खातून कबीले से जा चुकी हैं। तुर्गुत, हुक्म करे भाई। गुनगुत से कहो कि तूतकिन को बताए कि बानो जिजेक को कबीले के अतराफ में देखा गया है, ताकि वो ताकुब में जाए उसके। जैसा आप कहें भाई। तुराली, सज्जान खातून को बताओ कि आयतोलन खातून कबीले से जा चुकी है। जी, अभी बताता हूँ। अल्लाह आपकी मदद फरमाए भाई। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह आसानी फरमाए। बहुत शुक्रिया। सब कुछ ठीक चल रहा है ना? जी सरदार, सब कुछ ठीक है। अल्लाह खुश हो आपसे। शुक्रिया आपका। खुश आमदीद सरदार। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सब खैरियत है? अल्लाह आपको सलामत रखे सरदार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद सरदार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम तूतकिन सरदार। अल्लाह खुश रखे आपको। कैसे चल रहे हैं बाजार के मामले, कोई मसला तो नहीं है? नहीं सरदार, बहुत शुक्र है, बस ऐसे ही रोजी रोटी चलती रहे। बहुत खूब, आमीन, अल्लाह जज़ाए खैर दे। चलो आगे देखते हैं। बहुत शुक्रिया सरदार। अल्लाह खुश रखे। आज के बाद बाजार के मामलात का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। दुकानदारों की तमाम जरूरियात को पूरा करना है और मसाइल को हल करना है जल्द अज जल्द। लेकिन अगर कोई कारीगर हुक्म की खिलाफ वर्जी करे या फसाद फैलाना चाहे तो वो सजा का मुस्तहिक होगा। मैं समझ गया भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सरदार। अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको, इज्जत अफजाई की आपने। बहुत शुक्रिया सरदार। आप पहली बार हमारे बाजार तशरीफ लाए हैं, अगर आप इजाजत दें तो ये सुराही मैं आपको तोहफे में देना चाहता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह, आपके जैसे माहिर कारीगर के हाथ से ये सुराही मैं जरूर कबूल करता। शुक्रिया सरदार। लेकिन हमें ये सुराही उस शख्स को देनी चाहिए
जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। जैसा आप चाहें। कारीगरों को फरोग देना, उन्हें तरक्की देना फर्ज है हमारा कबीले की तरक्की के लिए। जी बिल्कुल सरदार। अल्लाह जज़ाए खैर दे आप। शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया। सरदार, सरदार, बानो झिझक को मैंने दरिया के किनारे पर देखा है। तेज रफ्तारी से जा रही थी घोड़े पर। मेरे पास घोड़ा नहीं था, उसका ताकुब नहीं कर सका। क्या मैं आ सकता हूँ सलजान खातून? हाँ हाँ आ जाओ तुराली। आओ। अतुरुल भाई ने खबर भिजवाई है कि आयतुलन खातून कबीले से जा चुकी हैं। हाय माशाल्लाह। शुक्रिया मेरे नन्हे से भाई, अब जाओ। निशानात यहीं तक है सरदार। वाज सामसा, जंगजुओं के साथ तलाश जारी रखो। जैसा आपका हुक्म सरदार। आप इधर क्या कर रहे हैं अर्तुरुल भाई? बानो झिझक को बचाने आए हैं क्या? मैं जब तुम्हें देखता हूं तो वो जंगली घोड़े जो मेरी रूह में दौड़ते हैं तुम्हारे अंदर भी दौड़ते नजर आते हैं मुझे। तूतकिन, तुम्हारी शुजात और बहादुरी, कबीले से मोहब्बत और अकदार का एहतराम काबिले तारीफ है, लेकिन तुम इन जंगली घोड़ों को अपने गैज़ो गज़ब की जमीन पर दौड़ा रहे हो। ऐसी नाहमवार जमीन जिसके आगे सिर्फ खाई है। अपनी जुबान को संभालें अर्तुरुल भाई, सब्र का इम्तिहान ना लें। नौयान ने तुम्हें कैसे अपनी साजिशों के जाल में फंसाया था तुम्हें याद है तूतकिन? अब की बार उससे ज्यादा गहरी साजिशों में फंस रहे हो। खुद को दो दुर्गा कबीले का सरदार साबित करना होगा तुम्हें। तुम्हें बानो झिझक तक ले जाऊंगा, जिस घिनौने जाल में तुम्हें फंसाया जा रहा है उसे बेनकाब करने के लिए। छोड़ दो अपनी जिद, चलो मेरे साथ और हकीकत को अपनी आंखों से देख लो।
यकीन जल्द ही आयतोलन भी अपने गुनाह को मिटाने के लिए यहां मौजूद होगी। बानो जिजेक, मेरी बहन, अब कैसी हो? मैं ठीक हूँ सरजान खातून, ठीक हूँ। जख्म कैसा है तुम्हारा? बेहतर है। मुझे बहुत फिक्र हो रही थी तुम्हारी, पूरी रात सो नहीं सकी इसी वजह से। सरजान खातून, दुआन साहब क्या जानते हैं कि जिंदा हूँ मैं? परेशान ना हो मेरी बहन, तुम दुआन जानता है कि तुम खैरियत से हो। दिखाओ मुझे जख्म। सलजान, तुम्हारा ही इंतजार था मुझे मक्कार औरत, आ जाओ। यहां कैसे पहुंची तुम कातिल औरत? जो सबूत तुम्हारे पास है उसे फौरन मेरे हवाले कर दो। तुम्हें क्या मालूम कि हमारे पास किस बात का सबूत है? तुम यहाँ कैसे पहुंची? हाँ, जो तुमसे कहा है वो करो तुम। दुरु मुमानी को और मामू को तुमने मारा है, हम साबित कर देंगे, और अब हमें कोई नहीं रोक सकता, ना तुम्हारा भाई, ना तुम, और ना तुम्हारी वो नामुराद भतीजी। ये सबूत चाहिए ना तुम्हें? आ जाओ, ले लो आकर। लेकिन हम दोनों को जान से मारे बगैर तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। उन दोनों को मैंने मारा है, इस बात को तुम कभी भी साबित नहीं कर सकोगी। कुछ दिनों से इस बाजू में तकलीफ महसूस कर रहा हूं, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया इस पर। जब कारवान सराय के लिए निकल रहा था तो उस वक्त दर्द में शिद्दत आ गई थी, लेकिन यह फोड़ा और तकलीफ देने लगा है। क्या आपने अपने हाथ पर जोर दिया था भाई? ज्यादा तो कुछ नहीं, यहां आने से पहले जंगजुओं के साथ मश्क कर रहा था। बेहतर होगा कि मश्क ना करें आप, आपको आराम की अशद जरूरत है, क्योंकि आपका यह फोड़ा कितना मोह लेके हम नहीं जानते। अगर ये जानलेवा हुआ तो आपको शदीद बुखार चढ़ेगा। आराम तो मुमकिन नहीं होगा, सादतीन को पैक मेरा कारवान सराय में इंतजार कर रहे हैं। तो कबीले आते ही पहले मेरे पास आइएगा। ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। भाई, इस फोड़े को मामूली मत समझिए आप। जी समझ गया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह सबसे बेहतरीन तदबीर करने वाला है सरदार दूतकिन। उसने कातिल का मकरूह चेहरा दिखा दिया है आपको, लेकिन ये साजिशें यहीं तक नहीं, इन सब साजिशों में बराबर का हिस्सेदार गुमुश्तकिन भी है। लेकिन हमें रुकना नहीं है, यह हमारा फर्ज है कि बेनकाब करें उन लोगों को जो सुल्तान और सल्तनत को अंदर से खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं। बचाओ खुद को। हम कुछ नहीं करेंगे अर्तुरुल भाई। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो तू तक, सलजान खातून अकेली नहीं है। आज तो मैं अंजाम तक पहुंचा के रहूंगी। वो सलजान को जख्मी कर देगी अर्तुरुल भाई। घबराओ मत तू तकिन, आयतोलन सुंगुर भाई के निशाने पर है, कोई खतरा हुआ तो वो तीर चला देंगे। ना ही सलजान खातून और ना बानो जिजेक इस औरत से हार मानेंगे।
मुझे बहुत इत्मीनान है कि उन दोनों कबाइल की बागडोर तुम्हारे हाथ में है, जिनके पास सबसे बेहतरीन और बहादुर जंगजू सिपाही मौजूद हैं। जब तक तू तकिन की लगा मेरे एक हाथ में और गुंदोगदू की दूसरे हाथ में है, मेरे लिए बहुत आसान होगा बागी तुर्क कबाइल को उनकी औकात याद दिलाना, और आप भी कोनिया वापस जाकर बाकी अहम उमूर सर अंजाम दे सकते हैं। मैं सब कुछ संभालूंगा मीरसादुद्दीन। यही उम्मीद है मुझे भी इंशाल्लाह। लेकिन क्या होगा अगर हाइमा खानम ने अर्तुरुल की बात मान ली और तुम्हारे खिलाफ हो गई? मैं ऐसा कभी होने ही नहीं दूंगा मीरसादुद्दीन। गुंदोगदू जल्द काई कबीले का सरदार बन जाएगा और मुस्तकबिल में मेरा दामाद भी। गुंदोगदू सरदार बनने के लिए क्या अपनी वालिदा की मुखालिफत करेगा? वो अपने कबीले की खुशहाली के लिए बहुत पुरअज़्म है और कुछ भी कर सकता है। उसने सरदारी की ख्वाहिश आज तक इसलिए नहीं की क्योंकि वो नहीं चाहता कि अपने भाइयों के खिलाफ कोई कदम उठाए, और ये सबको मालूम है। लेकिन अर्तुरुल की मौत वाकई हो जाए तो उसकी राह में कोई रुकावट बाकी नहीं बचेगी। देखते हैं क्या होगा, देखा जाएगा। गुंदोगदू सरदार आ चुके हैं अमीर मौजम, बुलाओ उन्हें। गुंदोगदू साहब तशरीफ लाइए। बहुत शुक्रिया अमीर सादुद्दीन। आइए बैठिए। सब खैरियत तो है गुंदोगदू साहब? तशवीश की कोई बात नहीं कुमिश्तकिन साहब, मामूली फोड़ा है। अगर आप चाहें तो कोनिया से तभी बुलवा लिया जाए। नहीं नहीं बहुत शुक्रिया। गुंदोगदू साहब का ये मामूली फोड़ा क्या बिगाड़ सकता है अमीर सादुद्दीन? बहुत शुक्रिया जनाब। 10 साल हो चुके हैं सुल्तान की हुक्मरानी को, अल्लाह हमेशा उन पर अपना रहम फरमाए। आमीन आमीन आमीन। लेकिन इन 10 सालों में पहली बार मुझे इत्मीनान महसूस हो रहा है, और मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि जिस इलाके के मरकज से तमाम तजारती रस्ते मिलते हैं वो महफूज तरीन हाथों में है। हाकिम आला एक तरफ और दूसरी तरफ गुंदोगदू और तूतकिन सरदार। रियासत आपकी इन खिदमात के लिए शुक्रगुजार रहेगी। आपका भी बहुत शुक्रिया मेरे मोहतरम। बहुत शुक्रिया आपका। यही वक्त है कि सल्तनत के कुछ राज आपके गोश गुजार किए जाएं गुंदोगदू साहब। तुम पहले ही जख्मी हो, ये सबूत अर्तुरुल भाई को ले जाकर दे दो, जाओ जल्दी। अपनी तलवार दो मुझे, जाओ जल्दी। मैं जाकर उन्हें ये सबूत पहुंचाती हूँ, तुम्हारा बुरा अंजाम होगा। भक्ति कहो कटी और Ah!
शाबाश सलजान खातून, हिम्मत करें। जहन्नम तुम्हारे इंतजार में है आयतुलन। सलजान, तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों होगी। आफशार, बयंदुर, कारगिन, कारविल, बयात, किजिक और दूसरे कबाइल अयूबी सरहद से लेकर जॉर्जिया तक ये सब तितर बितर हैं। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि कबाइल का इंतशार हम सब के लिए नुकसानदेह है। लेकिन अमीर सादतीन, इन तमाम कबाइल ने मंगोलों के हमलों की वजह से ही अपने लोगों की जानें कमाई हैं। हमें इन जानों के जाया होने पर बहुत अफसोस है, लेकिन इन्हें अंदर और बाहर से हमें किसी मजबूत किले की तरह बनाना होगा। गुमश्तकिन साहब ने दुरुस्त फरमाया, न सिर्फ मंगोल बल्कि अयूबी भी इन कबाइल को मुसलसल उकसाते रहते हैं फसाद करने पर। जो कबाइल मंगोलों के खिलाफ जवा मर्दी से बरसरे पैकर हैं, गैर मुतवक्का तौर पर हमारी रियासत के खिलाफ किसी भी वक्त खतरा बन सकते हैं। चुनाचे हमें अपनी सल्तनत के लिए हिफाजत इकदामात करने की जरूरत है। काश के तमाम कबाइल दुदुर्गा और काय कबीले की तरह सल्तनत के वफादार होते। बदकिस्मती से ऐसा, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तमाम तुर्क कबाइल हाकिम आला की जेरे निगरानी आ जाएं। काय कबीले का इस महाज को तस्लीम करना बहुत अहमियत का हामिल है। इससे हमारी सल्तनत मजबूत होगी। लेकिन जिन तुर्क कबाइल पर हम अंधा एतमाद करते हैं, उन कबाइल की जिम्मेदारी बहादुर सरदारों के हाथों में होनी चाहिए। मुख्तसर ये कि हम सल्तनत के किसी भी मुश्किल वक्त में काई कबीले के सिपाह सालार को अपने शाना बशाना देखना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया अमीर सादतीन, बिल्कुल फिक्र ना करें आप। हाइमा खातून तमाम तुर्क सरदारान से ज्यादा बहादुर और बाहिम्मत है, लेकिन वो एक खातून है। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना गुंदोगदू साहब? गुंदोगदू साहब, सिपाही जंगली घोड़ों की तरह होते हैं। एक सिपाह सालार अपने सिपाहियों पे पूरी गिरफ्त रखता है। अगर ऐसा ना कर सके वो, तो चाहे कितने ही मजबूत हो वो जंगजू, उनकी कामयाबी गुमनाम रहेगी। दुरुस्त फरमाया आपने। इसलिए आपको अपने जंगजुओं पर और कबीले पर अपनी गिरफ्त मजबूत रखनी होगी। फैसला आपको करना है गुंदोगदू साहब। इस बात को जहन में रखिएगा कि अमीर सादतीन और मैं हमेशा आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। आप अच्छी तरह सोच लें, जब वक्त आएगा तो यकीनन आप बेहतर फैसला करेंगे।
क्या है वो सच? अर्तुरुल भाई ने वहां आयतोलन के लिए जाल बिछाया था जिसमें वो पूरी तरह फंस गई। मैंने खुद उसके मुंह से सुना कि मेरे वालिदैन की कातिल वो है। यह इस्तकबाल हमारी सल्तनत के शाया निशान है। खुश आमदीद कुमिश्तकिन साहब। सल्तनत का शफकत आमेज रवैया तो हमने देख लिया, अब वक्त आ गया है कि उसका इंसाफ भी देख लें। एक दिन सबको अपने हिस्से के इंसाफ का सामना करना होगा कुमिश्तकिन साहब।